मधेपुरा में यादव उम्मीदवार बनाम यादव की ही लड़ाई होती दिख रही है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है और इसके लिए हर कोई दम दिखाता दिख रहा है। शरद यादव का हाल जरा देख लीजिए। आपने कभी ऐसे शरद यादव को नहीं देखा होगा। अपने नॉमिनेशन के लिए शरद यादव खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मेरे नॉमिनेशन पर जरूर आइएगा। और बहनों, 3 तारीख को हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसी का निमंत्रण देने के लिए आज हमारा खाली समय था, इसलिए आपके बीच में आए हैं। 3 तारीख को गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं। तेजस्वी जी आएंगे, सीताराम मांझी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे, सना मल्ला मुकेश सहनी आएंगे। गठबंधन के कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आएगा। इस पर जब सवाल हुआ तो शरद यादव बोले कि उनके पास आज का वक्त था, इसलिए वो लोगों से अपने नामांकन का न्योता दे रहे हैं। वहीं मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे वर्तमान सांसद पप्पू यादव ने शरद यादव के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि नेता को खाली समय में ही जनता की याद आती है। हिंदुस्तान में तो नेताओं को चुनाव के वक्त ही जनता की याद रहती है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि मोदी और नीतीश के कारण या फिर जात पात के कारण ही वोट मिलता है। अब इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। नेता को खाली समय में ही जनता की यादें आती है और इस हिंदुस्तान में नेताओं को याद आती ही है चुनाव के वक्त, क्योंकि नेता को लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी नीतीश के कारण वोट मिलता है, 5 जात के कारण वोट मिलता है, दिल्ली पटना के उन नेताओं ठेकेदारों के कारण वोट मिलता है जो जात का गठबंधन करता है, तो फिर उसे जनता के सरकार की क्या आवश्यकता है। ये नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके रखते हैं जिसमें माफिया दलाल और ठेकेदार लोग इनके इर्द गिर्द होते, जो एमएलए एमपी के टिकट के भूखे होते हैं वैसे लोग इनके इर्द गिर्द घूमते। उन्हें ना तो युवाओं से मतलब है, न तो छात्रों से, न तो गरीब से, न तो आम आदमी से। इसीलिए उन्होंने जो कहा सच कहा है कि हम खाली समय में ही आते हैं और ये आज की बात नहीं है, ये 20 साल से उन्होंने ये बता दिया है और आज यह सच उसके भीतर से निकल चुका है। मधेपुरा की लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन जेडीयू, जाप और महागठबंधन के खड़े तीनों यादव उम्मीदवारों ने जनता को जरूर इस वक्त कंफ्यूज कर दिया है। धीरज सिंह, मधेपुरा, बिहार तक।